सो वेलकम टू विजन एक्स अपडेट्स। आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज है, सो वीडियो में अंत तक बने रहना एंड थैंक यू फॉर द लवली सपोर्ट। भाई परसों 15K सब्सक्राइबर्स थे, कल 16K हुए एंड आज 17K हो गए। भाई अगर इसी रैपिड ग्रोथ से हम आगे बढ़ते रहे तो 20K भी जरूर हो जाएंगे इस मंथ के एंड तक। तो भाई हो सके तो करवा देना। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है घातक भाई को लेकर के। तो घातक भाई ने अपने ट्विटर पर एक ऐसा ट्वीट किया जिसको अगर आप देखोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। तो घातक भाई ने लिखा, एवरीवन इज आस्किंग मी द लॉन्च डेट ऑफ BGMI, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द डेट, बट येस अगर ये ट्वीट पे 20K लाइक्स होते हैं तो आई विल गिव यू तगड़ा वाला हिंट ऑफ BGMI लॉन्च डेट। तो आप देख सकते हो अभी इस ट्वीट पे 16,000 लाइक्स है। तो मैंने इस ट्वीट का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, एक लाइक कराना भाई ट्वीट पे जाके, जब तक ट्विटर बैन नहीं होता जब तक तो कर ही देना। एंड इसके बाद गॉड निक्सन ने भी अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था, पेशेंस इज द की गाइस, स्टे ट्यून्ड। तो बात कर लेते हैं अगली न्यूज को लेकर के, जो कि आ रही है भाई ये ट्विटर और फेसबुक को लेकर के जो कि बैन होने वाले, ऐसी न्यूज आ रही है बहुत तगड़ी वाली। क्योंकि देखो क्या हुआ था, अपनी गवर्नमेंट ने IT लॉज और रेगुलेशन वगैरह निकाली थी फॉर द सोशल मीडिया, एंड अगर फेसबुक और ट्विटर ने ये फॉलो नहीं किया होगा तो उनको बैन कर दिया जाएगा इन जस्ट अ कपल ऑफ डेज। तो बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं कि भाई उनका जो पबजी अकाउंट है वो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, या ट्विटर अकाउंट जिन्होंने मतलब पबजी से लगा रखा है, लिंक कर रखा है, वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चीज पे गोल्डी भाई और ओशन शर्मा ने रिएक्ट किया, सो वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। मुझे एक बात बताओ, BGMI जो आ रहा है उसका लॉगिन तो फेसबुक और ट्विटर से होना था, अब वही बैन हो रहे हैं, कर लो लॉगिन। गवर्नमेंट इज राइट, गवर्नमेंट इज फाइन, मैं मना नहीं कर रहा, गवर्नमेंट के हमेशा डिसीजन कुछ ना कुछ, जसप्रीत भैया ने बोला, जसप्रीत सिंह पाजी ने की 3 महीने का टाइम दिया था, तो मे बी मेरा रिसर्च ठीक नहीं था और मेरे को अभी मैसेज आया, तो इफ दैट वॉज द केस तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर बैनिंग। उन्होंने कंट्री का प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बोले होंगे, उन्होंने नहीं किए होंगे फेसबुक और ट्विटर ने, या डेटा ब्रीच हो रहा हुआ है कुछ भी, वॉट एवर इट मस्ट हैव बीन 100% इन अंडर सम नेशनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी थ्रेट प्रॉब्ली, ये डाउन द लाइन कुछ साल बाद हमको नुकसान पहुँचाती जो अभी गवर्नमेंट ने रोक दी। तो सारी बातें मुझे ठीक है, साला मेरा 40 लाख रुपया जो लगा हुआ है फेसबुक में, हाँ जो 40 लाख रुपये मेरा फेसबुक के आईडी में लगा हुआ है वो क्या होगा गाइस, फेसबुक से लिंक्ड मेरी आईडी में BGMI मोबाइल, मेरी तो एक आईडी फेसबुक में एक ट्विटर में है, दोनों में ग्लासियर है मेरे पास। आरिश थैंक यू भाई, निंजा थैंक यू, मेरा 1600 गया, 1600 रुपीस गया, जिनका गूगल है ठीक है बट फेसबुक से अगर हो गया तो। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बहुत अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, तो फेसबुक की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने लिखा है वी एम टू कम्प्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द न्यू IT रूल्स 2021, और यही उनका था। अब देखते हैं कि भाई अगर फेसबुक वालों की आईडी बचती है तो ट्विटर वालों की बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि ट्विटर वाले तो भाई कभी कभी गवर्नमेंट से भी हार्श मतलब बिहेव करते हैं, तो देखते हैं भाई ट्विटर का क्या होगा। तो बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ को लेकर के, जो कि यार ये क्रॉन्टन को लेकर के। तो क्रॉन्टन से फिर से उनकी स्ट्रीम पे बार बार बोला जा रहा था कि भाई BGMI बैन होने वाला है, ऑलमोस्ट 10 दिन में BGMI बैन हो जाएगा, ऐसा मतलब उनकी चैट्स में वगैरह में स्पैम हो रहा था। तो क्रॉन्टन ने मतलब इसको क्लियर कर दिया कि क्यों BGMI फिर से बैन नहीं हो सकता। तो क्रॉन्टन ने बेसिकली यही कहा कि जो BGMI का ट्रेलर था, BGMI का टीजर था, एंड BGMI जो प्ले स्टोर पर आई है रजिस्ट्रेशन के लिए वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही आई है, विदाउट परमिशन कोई भी गेम प्ले स्टोर वगैरह में नहीं निकाला जा सकता जो कि पहले बैंड था। तो मतलब क्रॉन्टन ने यही कहा कि मतलब एक बार गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है तो वो मतलब बाद में गेम को बैन नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो क्रॉन्टन ने क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। गेम वालों ने बिना परमिशन लिए अभी ये ट्रेलर ये सारी चीजें लॉन्च करी होगी, जबकि दूसरी बार गेम को आने के लिए उन्होंने रोक दिया था। आपको ऐसा लगता है कि इस बार क्रॉन्टन ने ऐसे कुछ किया होगा? नहीं गाइस, अब वो हमें बताएंगे नहीं, बट हाँ जो भी होगा सब मुझे जितना है कि परमिशन वगैरह सब लेके ही क्या होगा। तो अब गवर्नमेंट ने मे भी एक बार अगर परमिशन दे दी है तो वापस से वो थोड़ी बैन कराएंगे। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर के, जो कि यार ये वॉरमेनिया को लेकर के। तो वॉरमेनिया ने जो अपने टूर्नामेंट में इन्विटेशनल टीम्स होने वाली है एंड उनके जो टीम मेंबर्स या लीडर होने वाले हैं वो उन्होंने रिवील कर दिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सक्लूसिव चीज़ें देखने को मिली है, जैसे कि फनाटिक ने कमबैक कर लिया है एंड रौनक किस टीम से खेलने वाले हैं, एंड मतलब टीम अननोन स्टिल वॉरमेनिया वालों ने रिवील नहीं करी है कि टीम अननोन कौन है, बट टीम अननोन का जो एक प्लेयर दिखाया जा रहा था उस फ्रेम में वो लोग बोल रहे कि मॉर्टल है। अब आपका क्या कहना है
इस चीज़ के ऊपर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पे आपको फोटो दिख रही है वो मॉर्टल है या नहीं है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर के, जो ये है डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट और जो आईफर्ज का मैच होना था उसको लेकर कर। तो देखो भाई, आईफर्ज जीत चुके हैं डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट से, एंड इसीलिए मतलब जो उन्होंने टैबलेट खरीदा था डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ने, उसको तोड़ते हुए उसकी ट्विटर पर एक फोटो डाली, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका मतलब यह डॉग हार चुके हैं मतलब हमारे आईफर्ज भाई से। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है बारिश ऑफिशियल को लेकर के। सो आपको तो पता ही होगा कि इनको अरेस्ट कर लिया गया फॉर इज रेशियल स्टेटमेंट टुवर्ड अरुणाचल प्रदेश। तो इस पर बहुत सारे गेमर्स ने रिएक्ट किया, तो सबका रिएक्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो ऑन बारिश ऑफिशियल अरेस्ट। What are your views on the recent incident of Paras Gaming video where he was being racist and said some very inappropriate statements? यार देखो अंशुमन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी पहले। आई थिंक ये कब हुआ है, कल परसों हुआ शायद, राइट? क्योंकि कल भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मुझे आइडिया नहीं था। अभी मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट थोड़ी बहुत ऐसी कुछ चीज़ें समझ में आई है कि उसमें कुछ बोला है। आई थिंक अरुणाचल प्रदेश पे कुछ उसने कमेंट किया है, राइट? है ना, वहाँ के लोगों पे कमेंट किया है। सो देखो यार, रेसिज्म एक ऐसी चीज़ है कि तुम भाई इसको मतलब नहीं करनी चाहिए बस ये सब चीज़ें यार, ये अच्छी नहीं होती है। और ऊपर से आप एक ही कंट्री में रहते हो और एक ही कंट्री के लोगों को आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है पब्लिक तो थोड़ा सा गुस्सा होगी, थोड़ा नहीं मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगी उस पर तो। एंड अगर उसे अपने गलती पे वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप है, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई फिर तो क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। एक कोई तो पढ़ा लिखा गवार है जिसने YouTube पे वीडियो डाली है, अरुणाचल प्रदेश इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, सिंपैथी लेने के लिए। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर के, जो कि आ रही है स्नैक्स भाई को लेकर के। तो स्नैक्स भाई से टीम आईएनडी की परफॉर्मेंस और बीजीएमआई के बैन के बारे में पूछा गया, तो स्नैक्स ने कुछ ये कहा। मैं बीजीएमआई बैन कर रहे मार का सा सीधा बैन बोल देते क्या रे, जो जो ये बैन वैन बोल रहे हो, अरे बैगन के बाल प्री रजिस्टर करे ना रे अभी, फिर बैन के क्यों बोल रहे अभी। एक किता कुछ है मार का सा बैन सीधा, उस दिन तो 18 तारीख को अन्ना प्री रजिस्टर दिया, एक ट्वीट आया था तुम बैन बोल देते सीधा, ये क्या तरीका हुआ? फिर गेम आने का हमने खेलो इन लोग को भैया, एक ट्वीट कोई भी बैगन का बाल डाल देते ऐसा बोलते, अब उसको नहीं बोल रहा जनरली बात बोल रहा हूँ, कल को और एक नया जना ट्वीट डालता ये करो वो करो बैन करो ये करो, मान लेते क्या उसकी बात, हाँ मान लेते क्या। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स अ लॉट टू प्रतीक भाई फॉर सेंडिंग मी दिस क्लिप ऑन माय इंस्टाग्राम। भाई आप भी भेज दे करो जैसे प्रतीक भाई ने भेजी है, आपको भी क्रेडिट्स मिल जाएंगे एज यूजुअल। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड आज सॉरी यार, मैं मतलब थोड़ा सा ना लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि दो दिन से मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं भाई सुबह सुबह वीडियो अपलोड करे कर, सुबह सुबह वीडियो अपलोड किया कर, तो इसलिए मैं दो दिन से अब सोया ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं रात को 10 बजे सो के सुबह 7 बजे उठ जाऊँगा तो मेरा शेड्यूल ठीक हो जाएगा, एंड होपफुली आपको सुबह सुबह भी वीडियोज़ देखने को मिलेगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पीस आउट एंड साइनिंग आउट।